श्योपुर जिले के बैरार तहसील के अंतर्गत आने वाले बुडदा के किसान एकत्रित होकर आज बैरार तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सरकार द्वारा ग्राम बुढ़दा के आसपास शासकीय जमीन पर पेड़ लगाने हेतु आवंटित की गई एवं वहां के किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आने के कारण उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा कम दिया गया था, जिसके बाद किसानों के द्वारा मुआवजा की राशि को उसी जमीन पर खेती करने में लगा दिया, जिससे वह अपने परिवार का जीवन यापन कर पाए। परंतु अब उनके सामने जीवन मरण की समस्या उत्पन्न हो गई, जहां किसानों के द्वारा तहसीलदार से गुहार लगाते हुए कहा कि वह जिस शासकीय भूमि पर खेती कर रहे हैं उन जमीन को कंपनी द्वारा जमींदोज नहीं किया जाए एवं कंपनी के द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। बैरार से धर्मेश शर्मा की रिपोर्ट। लोगों के लिए जगह भी नहीं बच रही खड़ा होने के लिए, और जो डैम में से मिट्टी उठा के जमीन बनाई है उसी जमीन को शासन या अतिक्रमण को लेना चाहती है, तो हम तो वैसे ही मरे मराए पहले से और बिल्कुल किसी कर्म के भी नहीं रहे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कोमल सिंह। आप भी बुढ़दा के रहने वाले? आपका जी सुरेंद्र सिंह तोमर। कहाँ के रहने वाले हो? बुढ़दा। तो अभी आपने जो बैराड़ तहसील में जो ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मुद्दा है? देखो, हमने ज्ञापन दिया है, हमारी जो जमीन अधिग्रहण कर रही है जो कंपनी है बाहर से आ गई है, और जो जमीन हमने बनाई थी और वैसे ही हम डूब क्षेत्र से प्रभावित है, तो हमने मट्टी डलवाई थी पत्थर पे और उस जमीन को वो अधिग्रहण करना चाहते हैं, उस पर पेड़ लगाना चाहते हैं, और हम लोग क्या उससे जीवन यापन कर रहे हैं, अपना बच्चों की पेट पूर्ति कर रहे हैं उससे, और वो हमसे छुड़काना चाहते हैं, इसलिए हमारा तो मरना हो रहा है उसमें। तो आप क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं बिल्कुल ये आए ही नहीं, जंगल में कहीं जाए, बुढ़दा में नहीं रहना चाहिए, बुढ़दा छोड़ करके कहीं जंगल में अपना पेड़ लगाए या कुछ भी करें, लेकिन बस्ती को छोड़ करके हमारे जो नज़दीक है जो कृषक है हम लोग, उस भूमि को छोड़ करके वो कहीं भी कुछ भी करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम जो खेती कर रहे हैं जिस पर, वो नहीं वहाँ पर नहीं करना चाहिए। हमारा यही है कि बस यहाँ से जो नंबर हमने आपत्ति हुई है उन पर उनको मतलब उसका समाधान हो जाए, और हम यही चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उससे पशुओं के लिए भी जगह नहीं बची। तो अभी ये आप आवेदन देने आए हो, क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टेक मिनरल कंपनी है, जो हम अंडा निजी की कंपनी है, वो अंडा निजी की कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए कोई पौधे रोपण करने के लिए सरकार से ज़मीन मांगी है, तो सरकार ने जो हमारे गांव के आसपास की जो ज़मीन है उसको उनको देने की उसमें एडवर्टाइजिंग निकाली थी, उस एडवर्टाइजिंग में हमारी जो गांव के आसपास के जो नंबर थे, क्योंकि हमारा गांव पहले से अपर क्रिकेट डूब प्रभाव में प्रभावित है, तो हम लोगों की जो मुख्य ज़मीन थी वो सारी डूब में चली गई, उसका मुआवजा बहुत कम मिला था हम लोगों को। अब जीवन यापन करने के लिए जो शासकीय नंबर थे तो हम लोगों ने उसमें मिट्टी डलवा के बोंडी करा के बोरिंग करा के उसको खेती करने लायक बना लिया, सभी गांव वालों के पास पूरे 10-10 बीघा 5-5 बीघा करके हम लोगों ने खेती करने के लिए जीवन उधर पूर्ति करने के लिए उसको बनाया है। अब वो जैसे ही बनाया है तो अभी 1-2 साल में ही हम लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया, जब तक ये प्रोजेक्ट आ गया, अब हमारे सामने जो हमें मुआवजा वगैरह मिला था वो हमने सब उसमें लगा दिया, अब हमारे सामने जीवन और मरण की समस्या पैदा हो गई, अब उधर पूर्ति के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम लोगों की मांग है जो हम लोग जिस पे अभी काबिज हैं, जिसमें हमने रसीद कटा रखी है, जुर्माना भरते थे, तो कम से कम उन नंबरों को छोड़ के पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो हमारे गांव के आसपास आए ही नहीं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आना तो हमारे जो नंबर हम लोग जिन पे हम काबिज हैं उनको छोड़ करके कहीं भी बनाए, हमें कोई समस्या नहीं है, पेड़ लगाने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन और गवर्नमेंट से ये भी मांग है कि अगर वो पेड़ लगाने आ रहे हैं तो केवल पेड़ ही लगाएँ, पेड़ की आड़ में कुछ गलत तरीके से अवैध माइनिंग वगैरह कुछ ऐसा ना करें जिससे जंगलों को नुकसान हो और हमारी जो आसपास हम जो रहते हैं वहाँ पे जनता को कोई नुकसान ना हो, और ये भी चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारे गांव के आसपास में वो जो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं तो उनको भी अगर उसमें कोई नौकरी लगाने का विचार है तो ऐसा आवेदन हम लोग किया है, और ऐसे ही हम चाहते हैं।